रिसीवर को मैं इसको हटा देता हूं और देखते हैं क्या साउंड क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। एक मिनट, ये मैंने इसको हटा लिया है। नमस्कार दोस्तों, सलाम आदाब सत श्री अकाल आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। और वेलकम बैक टू माई चैनल अनसीन एक्सप्लोर 1002। वैसे तो मुझे खुद को वेलकम बैक बोलना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद जो है आज कैमरा मतलब मोबाइल उठाया है ब्लॉग शूट करने के लिए। और अब मैं आपको जो है मैंने एक गैजेट मंगाया है, गैजेट क्या, माइक्रोफोन मंगाया है ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है डिजीटेक का माइक्रोफोन एंड रिसीवर। ये वायरलेस है और इसको मैंने अमेजन से परचेज किया है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मुझे ये जो है 2300 का मिला है आफ्टर डिस्काउंट। तो चलो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में क्या इफेक्ट आता है। मतलब वीडियो क्वालिटी तो खैर आईफोन की आपने देख ही रखी है, लेकिन साउंड क्वालिटी जो है वो इससे इम्प्रूव होती है या नहीं होती है, नॉइस का रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है, क्या क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है आपको बताते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आईफोन की वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जब मैं कार ब्लॉग शूट करता हूँ तो हल्का सा जो है नॉइस आती है, मतलब बाहर की, और थोड़ी दिक्कत भी आती है क्योंकि दो अलग अलग पर्सन जो है डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो किसी की आवाज़ तेज आती है, किसी की आवाज़ कम आती है। इस वजह से माइक्रोफोन की मुझे ज़रूरत पड़ी। और आने वाले टाइम पे क्या है, जैसे अपन आउटडोर पे जब शूट करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैंने 2 माइक्रोफोन विद 1 रिसीवर के साथ इसको ऑर्डर किया है, यानी एक बार में हम 2 पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है एक आईफोन रिसीवर है, जो कि ये आईफोन में कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि आईफोन पे किस तरीके से कनेक्ट होगा। इसके अलावा ये माइक्रोफोन जो है इसके, ये इस तरीके से है कॉलर माइक। आप इसको इस तरीके से लगा के और ब्लॉग शूट कर सकते हो। तो ये देखिए आप, दो का सेट है और इसमें जो लिखा हुआ है विद लाइट कनेक्टर, विद लाइटिंग कनेक्टर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि विद लाइटिंग कनेक्टर है। जब भी ये चलेगा मतलब, तो इसमें इस तरीके की ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक करती रहेगी। तो इसके साथ एक चार्जिंग केबल भी आती है और इसको अपन डेटा केबल की तरह भी टाइप सी जो है इसकी डेटा केबल है। ये चार्जिंग केबल भी है और आप इसको मोबाइल में भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज ए चार्जर केबल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि विदाउट माइक्रोफोन साउंड क्वालिटी कैसी है और माइक्रोफोन के साथ में साउंड क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपके लिए अगर ये चीज़ यूज़फुल है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और आप मंगा सकते हैं। तो गाइस, साउंड क्वालिटी टेस्ट करने से पहले मैं आपको इसका ऑन ऑफ का स्विच बता देता हूँ। ये इसमें आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से, एक मिनट रुकिए मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने इसको प्रेस कर रखा है पीछे से और इस तरीके से ये लाइट जो है ब्लिंक कर दी अल्टरनेट ब्लू और रेड। मीन्स ये जो है इसके रिसीवर को फाइंड कर रहा है। और जब मैं आईफोन में रिसीवर लगा के रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद ये सिर्फ जो है रेड लाइट इसमें जलती रहेगी। इसके साथ में एक कैरी बैग भी मिल जाता है मुझे, आप कहीं भी जब ट्रेवल पे होते हैं तो इस कैरी बैग में आप इसको रख के और यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़र मैनुअल मिलता है, यूज़र मैनुअल में जो है आपको इसका मॉडल नंबर DWM004 और रिसीवर फंक्शन किस तरीके से काम करता है और रिसीवर इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलो अब इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि इसमें जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो लेस देन 75 डेसिबल है और इसकी जो लिथियम आयन बैटरी है वो 50 mAh की है। पावर सप्लाई आपको मैंने बता ही दिया कि इसका जो चार्जिंग केबल इसके साथ में जो आई है, आप अपने मोबाइल के एडेप्टर में इसको लगा के और इनको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज, अब मैं इसके रिसीवर को आईफोन में कनेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जब मैंने इसको कनेक्ट किया है तो इस साइड पे जो है ब्लू कलर की 2 लाइट ब्लिंक कर रही है। अब मैं इसके
माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करके बताता हूँ आपको। जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, तो ये अब ये रेड लाइट कॉन्स्टेंटली जो है रेड लाइट इसमें जल रही है, तो मीन्स ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जब इसमें अगर जब भी वीडियो बनाऊंगा तो ये डायरेक्ट से बात करेगा। मैं दूसरा जो इसका माइक्रोफोन है उसको भी मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। तो दूसरा माइक्रोफोन जो है मेरे कॉलर पे लगा हुआ था, और अब मैं इसको भी ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से पहले तो लाइट ब्लिंक करती है और ये रेड कलर की लाइट कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रही है। तो अब मैं इसमें वीडियो शूट करके देखता हूँ और वॉइस क्वालिटी चेक करता हूँ कि कैसी इसकी वॉइस क्वालिटी आएगी। और गाइज, विंड नॉइस को कम करने के लिए इसमें एक कुशन भी आता है, दो कुशन है दोनों माइक्रोफोन के लिए। ये दूसरा कुशन ये रहा, तो इसको इस तरीके से अपन कवर अप कर देते हैं माइक्रोफोन को, तो विंड नॉइस जो है और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी का डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो पार्ट जो था वीडियो का वो नॉन माइक्रोफोन यूज कर रहे हुए है, मतलब माइक्रोफोन को मैंने उसमें यूज नहीं किया है, और अब मैं माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि माइक्रोफोन से साउंड क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो चुकी है। मतलब मेरा ही नहीं, देखिए अब माहिर को मैं दिखाता हूँ। माहिर कुछ बोलिए। हाय, हेलो गाइस, देख सकते हैं कि मेरी वॉइस और माहिर की वॉइस में आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा हो, क्योंकि अब हम दोनों ही जो है माइक यूज कर रहे हैं। अब मैं इसको जो है कॉलर पर लगा लेता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अब मैं ट्रेवल करता रहूंगा या मैं कैमरा इसको भी देता हूँ, माहिर होल्ड इट। अब मैं कितनी दूर चला जा रहा हूँ आप देख सकते हैं, कोई नॉइस नहीं आ रही होगी, साउंड क्वालिटी बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको इसमें सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रीवियस जो पार्ट है वीडियो का उसको और इस वाले पार्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये माइक्रोफोन रिसीवर जो है दोनों काम करते हैं और क्या आउटपुट इन्होंने दिया है वॉइस का। क्वेश्चन भी जो है लगाया है माइक्रोफोन पे, और अब आप बताएं मुझे कि साउंड क्वालिटी में क्या फर्क महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अभी जो है पंखे के नीचे खड़ा हुआ हूँ, अब हवा मतलब विंड नॉइस को ये कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये था डिजिटेक माइक्रोफोन रिसीवर का अनबॉक्सिंग का ब्लॉग, आपने देखा और कंपेयर भी किया कि भाई वॉइस क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वर्थ टू बाय है। मतलब 2300 रुपीज में आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन कॉलर माइक आपको मिल रहा है। अब ये देखिए, मैं ऑन गोइंग वीडियो में इसको ऑफ करके देखता हूँ, या इसके रिसीवर को मैं इसको हटा देता हूँ और देखते हैं क्या साउंड क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। एक मिनट, ये मैंने इसको अब हटा लिया है, और अब आपको पता लग रहा होगा कि कितना डिफरेंसेस है। मतलब अभी यहाँ पे जैसे फैन भी ऑन है और एटमॉस्फेयर की साउंड आपको आ रही होगी, तो आपको पता लग रहा है कि माइक्रोफोन किस तरीके से काम कर रहा है। तो गाइज, देखा आपने अभी रनिंग वीडियो में, मैंने जब इसके रिसीवर को हटाया तो वॉइस में डिस्टर्बेंस आने लग गया था, और अब मैं जो है वापस से मेरे आईफोन को रिस्टार्ट करके और ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और विदाउट माइक्रोफोन शूट कर रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा होगा, कंपेयर कर सकते हैं आप कि भाई माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी और विदाउट माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि अभी मैं मेरे फैन के नीचे खड़ा हुआ हूँ, तो आपको हल्का सा विंड नॉइस आ रहा होगा, एटमॉस्फेयर की जो नॉइस है वो आपको महसूस हो रही होगी। तो ओवरऑल जो है मेरी निगाह में जो है डिजिटेक का जो माइक्रोफोन रिसीवर है ये वर्थ टू बाय है, 2300 रुपए में बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। तो उम्मीद है आपको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।